मतार मत। देखो अपने औरा का हाल क्या हो गया, कल ही हमने इसको सर्विस दी थी। वैसे तो मतलब पहले हमें लगा था कि इंजन फूटा है करके, तो यश तो डिप्रेशन में चला गया था, हम लोग को भी टेंशन आ गया था। तो गाइस औरा का हाल देखो कुछ ऐसा है, अभी आधी मैंने ऑलमोस्ट असेंबल कर दिया है। यहाँ पर एक्चुअली ऑयल फिल्टर है, तो ऑयल फिल्टर का स्क्रू एक्चुअली ढीला लगाया था सर्विस सेंटर वाले ने। रोक क्यों रहे तू? अभी फिर क्या होगा भाई। और आज ना आसमान का कलर देखो कितना ज्यादा रेड हो रखा है। अपने दिन खराब चालू है ना। रिपोर्ट ओके। हाँ अभी जाके उतना ऐसे कल लॉन्च कर रहा था। ये आराम 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 कंटेंट मत दे मुझे भाई, आराम से। तो गाइस टाइम हो रहा है शाम के 6 और दिस इज नेक्स्ट डे। कल एक्चुअली में हम लोग गए थे राउंड मारने के लिए, तब हुआ था यश के साथ वो सीन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसकी ट्यूब बनाने के लिए। और यहाँ पर पार्क करिए, मैंने आधी असेंबल हो चुकी है अपने औरा और पूरा ऑयल उड़ गया था कल मेरी बाइक पे उसका। तो मैं आते समय पहुँच के तो आया, उसका टायर तो पूरा भर गया था, आपने देखा ही होगा। और अभी पूरी आगे से भर गई थी ऑयल से। और देखो अभी कुछ ऐसी लग रही है, थोड़ी बड़ी लगने लग गई है, अच्छी लगने लग गई है। सर्विस भी कल काफ़ी अच्छे से हो गई है। अगर आपने लास्ट वाला व्लॉग मिस किया रहेगा तो जाके फटाफट देखो। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और जा रहे हैं गैरेज पे जहाँ पे यश की बाइक लेके आएगा वो, या फिर हम लोग यश के यहाँ पे जाएंगे और टो करके लाएंगे उसकी बाइक को। वैसे तो मतलब पहले हमें लगा था कि इंजन फूटा है करके, तो यश तो डिप्रेशन में चला गया था, हम लोग को भी टेंशन आ गया था। बट वेल एंड गुड की एक खाली जो नट था वो स्लिप हुआ था, स्लिप भी नहीं हुआ था, लूज रखा था जो बंदे ने सर्विस करी थी उसने। तो ऑयल फिल्टर का जो नट था ना वो थोड़ा ढीला था, उसके वजह से पूरा ऑयल बाहर उड़ गया था और पूरा का पूरा ऑयल निकल गया। तो अभी उसकी उसको रिटर्न से ऑयल वगैरह डालना है, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। हाय हाय क्या लग रही है। अरे मरी अर्टिगा को मत ठोक, मैंने न्यू कार खरीदी है। ये देखो गाइस प्रीतम की न्यू कार, कांग्रेचुलेशंस बोल दो मुझे जल्दी जल्दी कमेंट्स में। हंस रहे हो? तो भाई फटाफट से अपना चश्मा पहन लेता हूँ और निकलते हैं यहाँ से। क्या भाई तू क्यों हंस रहा है? यस ब्रो यस यस। अरे अरे थैंक यू। मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास भाई। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी यश के पास, उसकी बाइक टो करके हमें लेके जानी है गैरेज में। तो गाइस औरा का हाल देखो कुछ ऐसा है, अभी आधी मैंने ऑलमोस्ट असेंबल कर दिया है, अभी ना इसमें बाकी है काम, फेस मास्क का और रियर फेंडर लगाना बाकी है। और अंडरबेली भी मुझे चेंज करने की, अंडरबेली मेरी ब्रेक हो रखी है वो साइड से, तो वो भी मुझे चेंज कराने है। बाकी ना औरा को थोड़ा थोड़ा लुक्स आने लग गया है, थोड़ी बल्कि अभी लगने लग गई है, बड़ी लगने लग गई है। रिटर्न से अपनी स्पेसशिप धीरे धीरे तैयार हो रही है, मतलब और एक आधा दिन निकाल के ना अच्छे से इसको बना लूँगा मैं। बाकी अभी हम लोग आ चुके हैं यश के पास और यश का वेट कर रहे हैं। यश गया हुआ है ATM में पैसे निकालने के लिए। और ये देखो उसकी इवा को, जनरेटर को, रात भर लगता ऑयल लीक हो रहा था यहाँ पर। और एक्चुअली में यहाँ पर एक्चुअली ऑयल फिल्टर है, तो ऑयल फिल्टर का स्क्रू एक्चुअली ढीला लगाया था सर्विस सेंटर वाले ने, तो इसके वजह से यहाँ से सील बाहर आ गया और पूरा ऑयल उड़ गया। रो क्यों रहे तू? एक्चुअली वो रो रहा है, वो ऊपर से दिखा नहीं रहा पर मन में रो रहा है वो। मेरे साथ भी ऐसा क्यों? गोल्ड क्रॉस लग गया रहा है ना इसके वजह से, घर पे गाड़ी करते ना इसके वजह से। घर पे किया ही नहीं उसका काम, उसका सर्विस सेंटर में ही करा था। अभी फिर क्या होगा भाई? वो कर देंगे, एक डेढ़ घंटा भी हम लोगों को हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा ना, चलो ठीक है। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर बाइक को छोड़ के, वो लोग बोले कि एक डेढ़ घंटे में काम कर देंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बाइक से दूसरी। तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग, इसकी जनरेटर को यहाँ पे पार्क कर दिया, एक डेढ़ घंटे में बन जाएगी, फिर लेके चले जाएंगे इसको। और गाइस कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है बाइक में, वही जो स्क्रू का प्रॉब्लम था ना जो हमने प्रिडिक्ट किया था वही प्रॉब्लम निकला। तो बोले कि हम लोग कर देंगे ऑयल वगैरह डाल के, वो लोग अच्छे से सील करके स्क्रू लगा देंगे अच्छे से। तो वही अभी वहाँ पर थोड़ी बाइक ज़्यादा है इसलिए टाइम लगने वाला है, तो हम लोग बाइक छोड़ के जा रहे हैं अभी यहाँ से। और मेरी बाइक यश चला रहा है, बहुत ज़्यादा शांत हो गया है कल से वो। ऑफकोर्स होगा, अब बाइक के साथ ऐसा कुछ हो जाए तो बंदा शांत तो हो ही जाएगा। मेरे साथ भी होता तो मेरा भी एकदम दिल बैठ ही जाता। अभी फिलहाल उसका दर्द वही समझ सकते हैं। और आज ना आसमान का कलर देखो कितना ज़्यादा रेड हो रखा है। यहाँ पर अपने औरा और इसकी 250, यश की बाइक तो हमने बनाने दी है, वो बोले कि हम लोग आपको कॉल करेंगे जैसे काम हो जाएगा। तो जैसे काम हो जाएगा हम लोग जाएंगे उसकी बाइक पिक करने के लिए, तब तक यहाँ पर बैठ के थोड़ा चिल करेंगे, मस्ती वगैरह बातें वगैरह करेंगे, डिस्कस करेंगे जो भी करना है। बाकी मेन ना आज आसमान का रंग देखो कितना ज़्यादा रेडिश दिख रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है सीन आज। बाइक
भाई लगता है ऑरा पंचर हो गई है, वही चेक करने के लिए आए। मतलब पूरा दब रहा है टायर अभी अचानक से, तो एक बार चेक करेंगे एयर डाल के कि पंचर हुई है कि नहीं हुई है। शायद तो हो ही गई है, लेट्स चेक। अच्छा फ्लैश वगैरह मार रहेगा, थैंक यू, बस इतना भी नहीं मारना था। एक्चुअली मैं बाइक का टायर पंचर नहीं हुआ है, एक्चुअली मैं ना इसका वॉल गया, दिखा ना ये शॉप है, इसका ये वाला जो वॉल है ना गाइस, वो यहाँ से कट हो गया है, तो हवा जा नहीं रही है, लीक हो रही है हवा। मुझे लग रहा है टायर पंचर हुआ है, बट यहाँ से हवा जा रही है। टायर निकाल रहा है एक्चुअली वॉल चेंज करने के लिए। हाँ कल ही सर्विस दिया था यश, आज ये हो गया, अपने दिन खराब चालू है। हाँ ना भाई देखो अपने और का हाल क्या हो गया, कल ही हमने इसको सर्विस दी थी, आज इसका टायर निकालना पड़ गया, इसका वॉल ही ब्रेक हो गया था, मतलब जो एयर वॉल रहता है ना एयर भरने के लिए, वही चला गया था तो निकालना पड़ा। हाँ जिंदगी का दुख खत्म ही नहीं हो रहा यार, नींबू मिर्ची लगाने का टाइम आ गया है, जयेश बनने का टाइम आ गया। पहले से जब मैं देखा ना, मेरे को लगा हवा कम है। अच्छा पहले से तो हवा कम होते जा रहा था, जब तू गया तब देखा था मैं हवा कम था। अरे वो कल ही उसने जब डाला ना तभी फुसफुस हो रहा था, तो मैं उसे पूछा कि क्या हुआ करके, तो बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ करके, वो अपना गलती छुपाने के लिए करा रहे वॉल डाला ना। हाँ वॉल चेंज कर दिया, हाँ फाइनली ठीक हो गई। टाइम हो रहा है 8:35 और फाइनली ठीक हो गई अपने ओरा, अभी निकलते हैं यहाँ से। भाई ओरा बन गई है, दिन ख़राब चल रहे हैं, पेट्रोल के पैसे मेरे उसमें चले गए, बट ठीक है। एक्चुअली वॉल लीक हो गया था, पंचर नहीं हुआ था बाइक, तो बन गई है, लेके आ गए यश के यहाँ पर। अभी यश की बाइक का काम भी हो गया है, तो उसकी बाइक लेके फटाफट निकलते हैं यहाँ से। और कौशिक भी जा रहा है, उसके घर से कॉल आया था, चल संभाल के जा ठीक है। भाई बन गया इसका बाइक भी, रिपोर्ट ओके। हाँ अभी जाके उसका ऐसे कल लॉन्च कर रहा था। अरे आराम मत कंटेंट मत दे मुझे भाई, आराम से, आई डोंट वांट कंटेंट। क्या कर रहे हैं आप सब लोग, क्या बता भाई, हमारे ऊपर फिलहाल शनि भारी है सब लोग के ऊपर, गिरने नहीं दिए हमारे, वो भी उधर जाके खड़ा हो गया था, क्या हुआ भाई, पटके हाथ में आ गई थी। कोई नहीं, मेरे साथ वैसे हुआ था पूरा, मैं तो एकदम झुका के उठा लिया था, गिरने नहीं दिया था मैं तेरी जैसे, हाइट भी कम है ना इसमें प्रॉब्लम होता है थोड़ा, मेरे को हाइट कम में प्रॉब्लम होता है। आ गया है भाई, आ गया यश फुल जोश में। तो गाइस फाइनली अपनी ओरा का काम भी हो चुका है, ओरा ठीक हो चुकी है और इसकी जनरेटर भी ठीक हो चुके हैं। इसकी जनरेटर में एक्चुअली आया था प्रॉब्लम कि ना जब सर्विस करी थी इसने लास्ट टाइम जहाँ से ना, उसने स्क्रू ढीला रखा था, तो यहाँ से सील बाहर आ गई थी और वहाँ से पूरा ऑयल उड़ गया था, तो पूरा ऑयल निकल गया था जितना भी था, तो अभी रिटर्न डालना पड़ा और वो ठीक करना पड़ा, सील वगैरह लगा के अच्छे से लगा दिया। तो दोनों की बाइक्स फाइनली ठीक हो चुकी है, थोड़ा दिन खराब हो गया था बट फाइनली सब कुछ ठीक हो गया। बस इस वीडियो को गाइस यहीं पे क्लोज कर रहा हूं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, अगर अच्छा लगा रहेगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलता हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।